अध्यात्म का रास्ता वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपने आप को और पिता परमेश्वर की जानकारी को पा सकते हैं। ये रास्ता हमें महापुरुषों के ज़रिए प्राप्त हुआ है और महापुरुष कई धर्मों में, कई जगहों पर, कई अलग अलग समय पर इस धरती पर आते रहे हैं। महापुरुष अपने अपने समय में हम सबको यही समझाते चले आए हैं कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं जो पिता परमेश्वर को ना पा सके। जिसने ध्यान प्रभु की ओर किया वही पिता परमेश्वर को पा सकेगा। अब सवाल ये उठता है कि प्रभु की ओर ध्यान किया कैसे जाए? अगर तो प्रभु की कोई हस्ती हो, प्रभु कहीं पर इस धरती पर हो, हम वहाँ चले जाएं, उनके सामने बैठें, पूरा ध्यान उनकी ओर करें। लेकिन पिता परमेश्वर ना तो इन आँखों से देखे जा सकते हैं, ना इन कानों से हम उन्हें सुन सकते हैं, ना ही उन्हें हाथ लगा सकते हैं। तो जो पांच इंद्रियां हैं जिनके जरिए इंसान इस धरती पर जी रहा है, उनकी मदद हमें कुछ मिलती नहीं पिता परमेश्वर को जानने के लिए। तो प्रभु की ओर ध्यान दिया कैसे जाए? कहाँ पर हम जाएं ताकि हम प्रभु के दर्शन करें, उनकी जानकारी पाए? जब भी ये सवाल हमारे अंदर उठता है तो जवाब हमें एक ही मिलता है। हम लोग ज़्यादातर खोज पिता परमेश्वर की अपने धर्म ग्रंथों में करते हैं, जो महापुरुष आ चुके हैं उनके वचनों में हम प्रभु को पाने की कोशिश करते हैं। उनके वचनों के ज़रिए जो रास्ता वो दिखा गए हैं उस पर चलने की कोशिश करते हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि प्रभु हमें इस दुनिया में अकेले नहीं छोड़ गए, बेसहारा नहीं छोड़ गए, हमें सहारा दे गए हैं, हमें रास्ता दिखा गए हैं जिसके ज़रिए हम प्रभु की खोज कर पाए। और हर एक धर्म ग्रंथ में एक गुरु का होना, से गुरु का हो, मास्टर का हो, मुर्शिद का हो, उसकी ज़रूरत पर जोर दिया गया है। गुरु का मतलब जो अंधेरे से हमें रोशनी की ओर लेके जाए। अंधेरा माया का है, रोशनी हमारे भीतर सच्चाई की है। तो वो जीव जो हमें इस दुनिया के अंधेरे से उठाकर सच्चाई की रोशनी की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहा गया है। और इसलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि हम किसी गुरु की, किसी महापुरुष की संगत करें, कि उनकी संगत से जो पर्दे हमारे आँखों के ऊपर पड़े हैं वो हट जाएंगे। उनके अंग संग होकर जो रूहानी किरणें उनसे निकलती हैं, उन किरणों के ज़रिए हमारी अंधेरी ज़िंदगी में भी रोशनी होगी। और एक पूर्ण महापुरुष, एक सद्गुरु के सत्संग में जब हम पहुँचते हैं तो हम क्या क्या अनुभव करते हैं ये महापुरुषों ने अलग अलग लफ्ज़ों में हमें समझाया है कि पूर्ण महापुरुष कौन है, उसके ज़रिए हमें क्या मिलता है
और उनके अंग संग होकर हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर कैसे जाता है, ये महापुरुष अपने लफ्जों में धर्म ग्रंथों के जरिए हमें समझाते चले आए हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, जिन्हें बहुत कुछ लिखा, ताकि हम जो शारीरिक रूप से उनके जाने के बाद उनके लफ्जों को समझ सकें और अपनी जिंदगी सही रास्ते पर चला सकें। तो एक शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जब हम एक पूर्ण सदगुरु के अंग संग होते हैं, जैसे सत्संग में होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, फरमा रहे हैं कि ऐसी नजर फिरोज थी, बज्मे गए निगारे फन, ऐसी नजर फरोज थी, बज्म गए निगारे फन, मेरी नजर को भा गई अहले नजर की अंजुमन। जब इस शेर को हम समझने की कोशिश करें तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब वो अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संग में पहुंचे तो उन्हें क्या पाया, फरमा रहे कि ऐसी नजर फिरोज थी, कि वो नजर ऐसी थी जो रोशनी करने वाली थी, उनके सदगुरु की नजर ऐसी थी जो अंधेरे को दूर करने वाली थी। जहां भी रोशनी होती है वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। एक गुफा की कहानी हमने सुनी है कई बार, एक गुफा थी जो जमीन के नीचे रहती थी, उसकी सारी जिंदगी अंधेरे में गुजरती थी। तो एक दिन किसी तरीके से गुफा ने सोचा मैं कुछ और भी एक्सप्लोर करूं, तो चलती 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 वो जमीन से बाहर निकली। जब बाहर निकली तो देखा तो बड़ी रोशनी है, सूर्य निकला हुआ था। गुफा ने सूर्य से दोस्ती की, दिन सारा स्पेंड किया इकट्ठा। जब शाम हुई तो दोनों ने अलग होना था, तो गुफा अपने घर की ओर बढ़ी और सूर्य से कहा कि किसी दिन तुम मेरे पास आना, तुमने तो मुझे बहुत कुछ दिखाया, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी अंधेरे में क्या होता है। तो कुछ दिनों के बाद सूर्य को लगा चलो कि मैं देख के आऊं कि अंधेरे में क्या होता है, गुफा में क्या होता है। तो सूर्य जमीन तक पहुंचा और अंदर गया, जैसे जैसे अंदर जाता रहा तो उसने गुफा को कहा कि मुझे अंधेरा दिखाओ, लेकिन उधर रोशनी रोशनी थी, अंधेरा कहीं भी नहीं था, अंधेरा हट चुका था। तो यहां संत दर्शन सिंह जी महाराज में ही समझा रहे हैं कि ऐसी नजर फिरोज थी, कि उनके सदगुरु की नजर ऐसी थी कि वो अंधेरा दूर कर देते। एक वाक्य आया संत कृपाल सिंह जी महाराज की जिंदगी का। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने, जैसे आप कईयों को मालूम है, बहुत से भाई बहनों को नाम की देन दी। तो एक बार जब उन्होंने नाम की देन दी तो उनमें से एक इंसान ऐसा भी था जिसको कुछ संतमत का बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो नाम लेने के लिए आ गया होगा। तो नामदान के बाद अगले दिन जहां देखे वहां पर ही उसको संत कृपाल सिंह जी महाराज दिखाई दिए। और कहते हैं कि वो जब संत कृपाल सिंह जी महाराज को मिलने आए तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपनी मौज में कहा आ गए भाई, बहुत बड़ी ऐसी फरमाया करते थे। तो उसने बताया कि उसके साथ क्या अनुभव हुआ। तो कहते हैं कि संत कृपाल सिंह जी महाराज से उसकी काफी देर बातचीत हुई और बाद में उसने यही बताया कि उसको ये अनुभव हुआ कि जैसे उसकी सारी जिंदगी रोशन हो गई हो, जैसे सच्चाई उसके सामने पूरे तरीके से खुल गई हो। और उसके बाद वो संत कृपाल सिंह जी महाराज के अंग संग रहना शुरू हो गया। तो ऐसे महापुरुषों की, जैसे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, इनकी
नजरों से जो किरणें उठती हैं वो हमें जागृत करती हैं। हम सोए हुए हैं, हम ड्रीम लैंड में हैं, हमें असलियत दर्शाती हैं। हमारी जिंदगी मन माया के पर्दों से घिरी हुई है, उन पर्दों को इन महापुरुषों की नजरें हटा देती हैं ताकि असलियत हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाए। तो संदर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के जरिए ये समझा रहे कि ऐसी नजर फिरोज थी, बजम गए निहारे फन। बजम गए होता है जैसे कि एटमॉस्फेयर, और जहां पे कहीं पे जाओ, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जाओ, कहीं पे बुद्ध बने होते हैं, कहीं पे कुछ और बना होता है, कहीं पे कुछ और बना होता है, तो वो उनको किसी कलाकार ने बनाया होता है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो महापुरुषों की बज्म है, जिसे सत्संग कहा जाता है, उसमें अलग अलग जीव हैं। ये सब पिता परमेश्वर के बनाए हुए हैं, प्रभु ने बनाए हुए हैं, सब एक से एक खूबसूरत हैं, सब भिन्न भिन्न किस्म के हैं। तो फरमा रहे हैं कि अलग 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 जो जीव हैं वो उनके संगत में है, उनकी महफिल में है। कोई एक धर्म का है, कोई दूसरे धर्म का है, कोई छोटा है, कोई मिडिल एजड है, कोई बुजुर्ग है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई एक भाषा बोलता है, कोई दूसरी भाषा बोलता है। कि अलग अलग वहाँ पर जो भाई बहन बैठे हुए हैं कि उनके अंदर, उनके ऊपर जब उस संत महापुरुष की नजरें कर्म पड़ती हैं तो उनकी जिंदगी में अंधेरा हट जाता है। और अगली लाइन में फरमा रहे हैं कि मेरी नजर को भा गई अहले नजर की अंजुमन। अहले नजर होता है हमारे सदगुरु की आंखों से जो किरणें आ रही होती हैं हमारी ओर। तो फरमा रहे हैं कि उस संगत में जहां पर मैंने अलग अलग भाई बहनों को देखा, और उस संगत में जहां मैंने अपने सदगुरु को देखा, और जो किरणें उनकी ओर से सब तक पहुंच रही थी, उन सब ने हर एक की जिंदगी का अंधेरा हटाकर उसमें रोशनी भर दी। वो कह रहे हैं उन्होंने जब रोशनी भरी, उनकी दृष्टि जब मेरे पर पड़ी और मैंने ये सब कुछ देखा तो मेरी नजर को भा गई कि जो मेरी आत्मा है, जब उसकी गहराई तक मेरे सदगुरु के दर्शन मिले, उनके नजर कर्म हुए हमारे ऊपर, तो वो उसने मेरी आत्मा को उभार दिया, उसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ाया, और यही मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ कि असलियत की मुझे जानकारी मिली और असलियत के साथ जुड़कर मैं तृप्त हो गया, मैं खुश हो गया, मैं आनंद की अवस्था में पहुंच गया। जिंदगी का मकसद सच्चाई को जानना है, उसे पहचानना है, उसको अपनी जिंदगी में ढालना है और फिर कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाने हैं। बाकी सब बेकार है। हम कितना पढ़े लिखे हैं, हमने कितना कमाया, हमने क्या क्या किया, वो सब यहीं रह जाता है। कबीर साहब ने फरमाया कि ये जो ढाई अक्षर है, प रे और म, प्रेम के जो ढाई अक्षर प्रेम के हैं, जो इनको जान लेता है, जो प्रभु से प्रेम कर लेता है, वही एक सुजान पुरुष है, वही एक सच्चा शिष्य है, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित हो ना कोई, कि पोथियां पढ़ पढ़ कर वो कह रहे हैं जग लगा हुआ है, कोई ये पोथी पढ़ रहा, कोई वो पोथी पढ़ रहा, कोई पढ़ रहा, कोई पढ़ रहा, तो कोई भी पंडित ना हुआ, कोई सियाणा नहीं हुआ, कोई अकलमंद नहीं हुआ, किसने क्या, कोई ज्ञानी नहीं हुआ, जिसने ढाई अक्षर प्रेम के समझे वो ही सही मायनों में ज्ञानी हुआ, उसी को ही जिंदगी का मकसद क्या वो समझ में आया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु हमें क्या देता है उसके बारे में फरमाते हैं कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कहते हैं ज्ञान का सुरमा,
सुरमा लोग आंखों में लगाते हैं ताकि नजर साफ हो, कि ज्ञान अंजन गुर दिया के जो सही ज्ञान है जिसे पराविद्या कहा जाता है, जो अंदर का ज्ञान है, जो रूहानी ज्ञान है, जो रूह के उड़ान का ज्ञान है, जो आत्मा का अंदर के मंडलों में जाना है उसका ज्ञान है, कि ज्ञान अंजन गुर दिया के उस ज्ञान का सुरमा जो इन जो अंदरूनी आंख को क्लियर करता है। अभी तो पर्दे पड़े हुए हैं, तो वो सुरमा जो उसको साफ करता है वो गुर दिया, वो किसी गुरु की तवज्जो जब होती है उसी को नामधन कहा जाता है, तब मिलता है हमें। जब उनकी नजर कर्म हम पर पड़ती है, उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है, तो अंधेरा दूर होता है और हम सच्चाई का अनुभव करते हैं। तो फरमाया कि ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, तो उस ज्ञान के जरिए क्या है, जो अज्ञान है वो भी खत्म हो गया और अंधेरा भी खत्म हो गया। हर जगह रोशनी ही रोशनी, सच्चाई ही सच्चाई हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। ये सब एक पूर्ण महापुरुष की संगत में आकर हम पाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी एक पूर्ण महापुरुष की संगत में क्या मिलता है, ये क्या मिलना चाहिए या वो हमें क्या दर्शाते हैं उसके बारे में समझाया। नानक देव जी महाराज फरमाते कि घर में घर दिखाई दे, कि घर में घर दिखाई दे सो सद्गुरु पुरख सुजान। करे पूर्ण सद्गुरु वो है जो इस घर में जो शरीर घर है उसमें असली घर जो सचखंड है वो दिखा दे, क्योंकि सारे मंडल हमारे भीतर हैं, कहीं बाहर आसमान में नहीं। सारा ज्ञान हमारे अंदर है, प्रभु भी हमारे अंदर है। तो एक पूर्ण सद्गुरु वो है जो इस शरीर के अंदर, ये जो हमारी आत्मा का घर है, इस शरीर के अंदर असली घर जो सचखंड है जहां से हम आए हैं वो दिखा दे, वहां तक पहुंचा दे, वही एक सच्चा गुरु है। एक गुरु हमें वहां तक ही ले जा सकता है जहां तक वो गया हो और उसको परमिशन हो हमें ले जाने की। इसीलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि हम सही तरीके से खोज करें, कि हम अपने आप को उस रास्ते पर चलाएं जहां से हम अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो पूर्ण महापुरुष वो है जो हमें इस जिंदगी में जीते हुए हमारे असली रूप आत्मिक है जो इस शरीर में है, और हम सब अपने अपने एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं, घर गृहस्थी में जी रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी, इसमें रहते हुए वो गुरु पूर्ण है जो हमें अंदर की दुनिया में चढ़ाई करा दे, रसाई करा दे, अंदर की दुनिया में ले जाए, जिसकी मदद से हम पिंड अन भ्रमण पार ब्रह्म पार करते हुए सच करते पहुंच जाए। ऐसे गुरु की खोज, ऐसे गुरु का होना बड़ी खुशकिस्मती है।